हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। चलो मैं आपके न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, ब्रेड और चीज़ का नाश्ता। दोस्तों खाली 20-15 मिनट अपना नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों अपने 3 ब्रेड ले लेना है, ब्रेड को बीच में इस तरह निकाट लेना है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आओ तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों। आपकी सहायता से मैं आगे जा सकती हूँ दोस्तों। अभी आपने कैंची ले लेनी है, कैंची की सहायता से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में उसको काट लेना है। अभी एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। अभी प्याज डाल देनी है अपने। शिमला मिर्च डाल देनी है। बारीक कटी हुई गाजर डाल देनी है। स्वाद अनुसार नमक डालना है दोस्तों, नमक कम ही डालना है इसमें, क्योंकि ब्रेड में भी नमक होता है इसलिए। अब थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे। अभी अपने इसमें पास्ता मसाला डाल देंगे दोस्तों। मेरे पास मैगी मसाला नहीं था तो मैंने पास्ता मसाला डाल दिया है। अभी सब्जी का मसाला डाल देंगे थोड़ा सा अपने। ये सब्जी तो अपने घर में भी पड़ी होती है दोस्तों, तो अपने घर की वस्तु से ये नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा अपना। अभी टमाटर सॉस डाल देंगे। अभी ब्रेड का टुकड़ा करके अपने रखा था वो डाल देंगे। अभी अच्छी तरह ने उसको मिला देंगे। दोस्तों आपका कमेंट बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, आप कमेंट में बताओ आपको और क्या पसंद है दोस्तों। प्लीज़ आपकी सहायता से हम आगे जा सकते हैं दोस्तों। और आप वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको भी ट्राई करना पड़ेगा दोस्तों। अभी एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें बीच में नमक डाल देना है थोड़ा सा अपने। और आपके पास ओवन है तो ओवन में भी रख सकते हो, मेरे पास ओवन नहीं है तो मैंने कढ़ाई में रखा है ये। अभी अपने प्लेट में डाल के उसमें रख देंगे दोस्तों। आप एक कटोरा में भी रख सकते हो, मैंने प्लेट में ही जी समझा तो मैंने प्लेट में रख दिया। आपके पास कोई कटोरा है ऐसा बाउल है तो आप इसमें भी रख सकते हो ये। अभी अपने ढक्कन से उसको कवर कर लेंगे अच्छी तरह नहीं। और आपने 20 मिनट रखना है उसको, 20-25 मिनट कढ़ाई में टाइम लगता है गैस पे, इसलिए दोस्तों ओवन हो तो इसमें 10 मिनट में हो जाएगा अपना नाश्ता बनके तैयार। ये देखो कितना मस्त नाश्ता बनके अपना तैयार हुआ दोस्तों। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो दोस्तों, और कमेंट में बताओ दोस्तों आपको और क्या पसंद है।